नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सबका हमारे इस YouTube चैनल एस्ट्रो सीपी त्रिपाठी में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम नए विषय के साथ उपस्थित हैं। विषय है पंचक में क्या करें क्या नहीं करें, पंचक क्या होता है, पंचक में कौन कौन से नक्षत्र होते हैं, इन्हीं सब विषयों को लेकर के आज हम उपस्थित हुए हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी हो सके। मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में 5 ऐसे दिन आते हैं जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। ऐसी भी मान्यता या धारणा है कि इन दिनों में मरने वाले व्यक्ति परिवार के अन्य 5 लोगों को भी साथ ले जाते हैं। आइए जानते हैं पंचक के 5 रहस्य। शास्त्रों में कहा गया है कि ज्योतिष के अनुसार चंद्र ग्रह का धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण और शतभिखा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, रेवती नक्षत्र के चारों चरणों में भ्रमण काल पंचक काल कहलाता है। इस तरह चंद्र ग्रह का कुंभ और मीन राशि में भ्रमण पंचक को जन्म देता है। पंचक के नक्षत्रों के क्या प्रभाव हैं तो जाने। धनिष्ठा जो कि पहला नक्षत्र है, धनिष्ठा नक्षत्र में अग्नि का भय रहता है। दूसरा शतभिखा नक्षत्र में कलह होने की संभावना बनी रहती है। तीसरा पूर्वाभाद्र पद नक्षत्र में रोग बढ़ने की संभावना रहती है। चौथा उत्तराभाद्रपद में धन के रूप में दंड होता है। और पांचवा रेवती नक्षत्र में धन हानि की संभावना बनी रहती है। पंचक में क्या कार्य नहीं करना चाहिए, श्लोक आता है मुहूर्त चिंतामणि में, अग्नि चौर भजम रोगो राज पीड़ा धन क्षति संग्रहे तृण काष्ठानाम कृते वश्वादि पंचके। अर्थात पंचक में तिनकों और काष्ठों के संग्रह से अग्नि भय, चोर भय, रोग भय, राज भय एवं धन हानि संभव है। शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है धनिष्ठा पंचकम त्याज्यम तृण काष्ठादि संग्रहे त्याज्या दक्षिण दिग यात्रा गृहाणाम क्षादनम तथा। लकड़ी एकत्र करना या खरीदना, मकान पर छत डलवाना, शव जलाना, पलंग या चारपाई बनवाना और दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना, ये सब पंचक में नहीं करना चाहिए। पंचक में इन सब चीज़ों का त्याग जरूर करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। अगर हो जाए तो इसका समाधान क्या है, तो यदि लकड़ी खरीदना अनिवार्य हो तो पंचक काल समाप्त होने पर गायत्री माता के नाम का स्मरण करें, और यदि मकान पर छत डलवाना अनिवार्य हो तो मजदूरों को मिठाई खिलाने के पश्चात ही छत डलवाने का कार्य करें। यदि पंचक काल में शवदाह करना है अनिवार्य है, शवदाह करते समय 5 अलग अलग पुतले बना करके उन्हें अवश्य जलाएं। कहीं कहीं नियम है 5 बेल भी जलाते हैं उसमें डाल करके 5, कहीं कहीं ऐसा होता है कि आटे का लोई बना करके भी डाल देते हैं। तो इसी तरह पंचक काल में पलंग या चारपाई लाना जरूरी हो तो पंचक काल की समाप्ति के पश्चात ही इस पलंग या चारपाई का प्रयोग करें। अंत में यह कि यदि पंचक काल में दक्षिण दिशा की यात्रा करना अनिवार्य हो तो हनुमान मंदिर में फल चढ़ा करके यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। ऐसा करने से पंचक दोष दूर हो जाता है। पंचक के प्रकार क्या है तो जानिए। रविवार को पड़ने वाला पंचक रोग पंचक कहलाता है। सोमवार को पड़ने वाला पंचक राज पंचक कहलाता है। मंगलवार को पड़ने वाला पंचक अग्नि पंचक कहलाता है। शुक्रवार को पड़ने वाला पंचक चोर पंचक कहलाता है। शनिवार को पड़ने वाला पंचक मृत्यु पंचक कहलाता है। इसके अलावा
बुधवार और गुरुवार को पढ़ने वाले पंचक में ऊपर दी गई बातों का पालन करना बिल्कुल जरूरी नहीं माना गया है। इन दो दिनों में पढ़ने वाले दिनों में पंचक के पांच कामों के अलावा किसी भी तरह के शुभ काम किए जा सकते हैं। पंचक में मौत का समाधान। गरुड़ पुराण सहित कई धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि यदि पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके साथ उसी के कुल खानदान में पांच अन्य लोगों की मौत भी हो सकती है। शास्त्र कथन है, धनिष्ठ पंचकम ग्रामे सद्भिखा कुलपंचकम पूर्वा भाद्रपदा रथ्या चोत्तरा गृह पंचकम रेवती ग्राम ब्राह्यंच एतत पंचक लक्षणम। आचार्यों के अनुसार धनिष्ठा से रेवती पर्यंत इन पांचों नक्षत्रों की क्रमशः पांच श्रेणियां हैं, ग्राम पंचक, कुल पंचक, रथ्या पंचक, गृह पंचक एवं ग्राम बाह्य पंचक। ऐसी मान्यता है कि यदि धनिष्ठा में जन्म मरण हो तो उस गांव नगर में पांच और जन्म मरण होता है। सतभिखा में हो तो उसी कुल में, पूर्वा में हो तो उसी मोहल्ले टोले में, उत्तरा में हो तो उसी घर में, और रेवती में हो तो दूसरे गांव नगर में पांच बच्चों का जन्म एवं पांच लोगों की मृत्यु भी संभव है। मान्यता के अनुसार किसी नक्षत्र में किसी एक के जन्म से घर आदि में पांच बच्चों का जन्म और किसी एक व्यक्ति के मृत्यु होने पर पांच लोगों की मृत्यु भी होती है। मरने का कोई समय नहीं होता, ऐसे में पांच लोगों का मरना कुछ हद तक संभव है, परंतु उत्तरा भाद्रपद को गृह पंचक माना गया है और प्रश्न है कि किसी घर की पांच औरतें गर्भवती होंगी तभी तो पांच बच्चों का जन्म संभव है। जन्म में मतलब पंचक में जन्म मरण और पांच का सूचक है। पंचक में जन्म मरण और पांच का सूचक है। जन्म खुशी है और गृह आदि में विभक्त इन नक्षत्रों के तथाकथित पांच फल गृह आदि में होने वाले हैं, तो अस्पष्ट है कि वहां विभिन्न प्रकार की खुशियां आ सकती हैं। पांच मृत्युओं का अभिप्राय देखें तो पांच गृह आदि में रोग, कष्ट, दुख आदि का आगम हो सकता है। कारण व्यथा, दुख, भय, लज्जा, रोग, शोक, अपमान और मरण मृत्यु के ये आठ भेद हैं। इसका मतलब यह कि जरूरी नहीं कि पांच की मृत्यु ही हो, पांच को किसी प्रकार का कोई रोग, शोक या कष्ट भी हो सकता है। पंचक के में उपाय क्या करें, पंचक का क्या उपाय है, तो ध्यान से सुनेंगे। वीडियो को मित्रों पूरा जरूर देखें, बड़ा ही रोचक जानकारी आप लोगों को प्राप्त होगी। प्रेतस्य दाहम यमदिगमम त्यजेत सैया वितानम गृह गोपनादि च मूर्त चिंतामणि। प्रेतस्य दाहम यमदिगमम त्यजेत सैया वितानम गृह गोपनादि च, ये मुहूर्त चिंतामणि का है। पंचक में मरने वाले व्यक्ति की शांति के लिए गरुड़ पुराण में उपाय भी सुझाए गए हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पंचक में सबका अंतिम संस्कार करने से पहले किसी योग्य विद्वान पंडित की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। यदि विधि अनुसार यह कार्य किया जाए तो संकट टल जाता है। दरअसल पंडित के कहे अनुसार शव के साथ पुतला बना करके कुश का या कहीं सूखी घास या खड़ का भी पुतला बना करके लोग पांच पुतले बनाते हैं और उसको अर्थी पर रख करके इन पांचों का भी शव की तरह पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसा करने से पंचक दोष समाप्त हो जाता है। दूसरा यह कि गरुड़ पुराण अनुसार अगर पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसमें कुछ सावधानियाँ बरतना चाहिए। पंचक शांति श्राद्ध में जरूर करा लेना चाहिए। श्राद्ध के समय जिसकी मृत्यु हुई है उसके श्राद्ध के समय पंचक शांति विधि है उसको भी जरूर करा लेना चाहिए। मतलब इन सावधानियों को बरतना चाहिए। सबसे पहले तो दाह संस्कार संबंधित नक्षत्र के मंत्र से आहुति देकर नक्षत्र के मध्यकाल में किया जा सकता है। नियम पूर्वक दी गई आहुति पुण्यकाल प्रदान करती है। साथ ही अगर संभव हो दाह संस्कार तीर्थस्थल में किया जाए तो उत्तम गति मिलती है।
मित्रों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और भी मन में किसी प्रकार की अगर समस्या है या कोई प्रश्न है तो आप कमेंट जरूर करें, लाइक करें वीडियो को, चैनल को हमारे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।